दर्शकों, जयगांव को नशा मुक्त बनाने का जयगांव पुलिस प्रशासन का अभियान निरंतर जारी है और इसी सिलसिला में जयगांव के प्रसिद्ध सुपरमार्केट क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। विगत रात कल रात करीबन 3 बजे के आसपास 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ पाए गए हैं। आप सभी को बता दें कि जयगांव के सुपरमार्केट क्षेत्र से विकास दास एवं उनकी श्रीमती रंजना दास को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से करीबन 380 नशीले टैबलेट एवं करीबन 44 बोतल कप सिरप बरामद की गई हैं। इन दोनों के खिलाफ NDPS धारा के तहत, NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आप सभी को बता दें कि अलीपुर द्वार जिला SP के निर्देश अनुसार जयगांव को नशा मुक्त बनाने का अभियान निरंतर चल रहा है और जयगांव की पुलिस टीम जो है निरंतर हर रोज इस तरह से धरपकड़ कर रही है और कार्रवाई कर रही है। आप सभी को बता दें कि इस कार्रवाई में सेकंड OC अरूप वैद्या, जयगांव थाना इंस्पेक्टर इंचार्ज पालजर भुटिया, अमृत लामा, सिप्रा शाह, दीपायन सरकार एवं अन्य पुलिस ऑफिसर और टीम के मेंबर्स मौजूद रहे। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर आज उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए अलीपुर द्वार कोर्ट में भेजा गया है और हम लोग अधिक जानकारी के लिए हम लोग सीधे बातें करते हैं जयगांव थाना इंस्पेक्टर इंचार्ज पालजर भुटिया से और अधिक जानकारी आप सभी के समक्ष साझा करते हैं। दर्शकों, सर कल रात को एक NDPS केस के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, उसका डिटेल्स। ठीक है, सर्वप्रथम आप लोगों को मैं धन्यवाद जनाना चाहता हूँ और ये हम लोग का जिला सुपर का तरफ से एक बहुत ही अच्छा अभियान चल रहा है। इसका 2 दिन आगे भी एक केस हुआ था और पुलिस का लगातार निरंतर एक एफर्ट चल रहा है कि इसको, इस जगह को ड्रग फ्री मुक्त करने के लिए। कल ऐसे ही रात में हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन आया था कि विकास दास और उसका वाइफ रंजना दास, ये लोग का घर में इलीगल ड्रग्स बिक्री करने का एक खबर आया था। तो इसी हिसाब से हम लोग का जयगांव का एक अच्छा टीम उसका घर में रेड करने के बाद में 380 टैबलेट और 44 बॉटल्स ऑफ कोरेक्स वहाँ से बरामद हुआ है। तो वो होने के बाद में कंप्लीट फॉर्मेलिटीज़ प्रोसीजर्स फॉर्मेलिटीज़ का मेंटेन करने के बाद में हम लोग एक NDPS एक्ट में एक केस कर रहे हैं उन दोनों के बारे में। सर कितने बजे रात को 11:30 बजे खबर आया था, प्रोसीजर करते करते हम लोग 3:30 बजे ख़त्म करके आए। सुपर मार्केट पब्लिक टॉयलेट का बैक साइड में उसका घर। सर और भी कोई इसके साथ जुड़ा बैकग्राउंड है? पहले भी केस हुआ है, मैं यहाँ पहले भी OC दे चुका हूँ, तब भी उसके ऊपर में केस मामला हुआ है, लेकिन जैसे बोलते कि आदत से मजबूर नहीं छोड़ रहा है, लेकिन पुलिस पीछे नहीं हटेगा। पुलिस का ये नियंत्रण लगातार जारी रहेगा जगहों को ड्रग्स मुक्त करने के लिए।